पेसोक चिया बगान खुलियो 100% बकाया दिन सहमत। आज 18 जनवरी बुधबार को दिन देखि पेसोक चिया बगान संचालन में आएको छ। चिया बगान को प्रांगण में आज विधित रूप में पूजा गर्दै पेसोक अनि कलेज भेली का सुपरटेन्डेन्ट सुब्रत भद्रले नरियल फुटाएर सुरू गरे भने चिया बगान मालिक नरेश अग्रवालले रिबन काटेर उद्घाटन गरेका छन्। अग्रवालले भने फैक्ट्री बनाउने कुरामा जब बगानको जमिनको लीज कम्पनीको नाममा हुन्छ तब फैक्ट्री निर्माण गरिने अनि बगानको अस्पताल बनाइने छ। बगानको पूर्व निर्धारित श्रमिक संख्यामा नै सञ्चालन हुनेछ र बगानको चिया गाछहरू उखेलेर घर निर्माण गरिएकोमा के गर्नुहुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नहरूको जवाबमा उनले भने बनिसकेकोहरूलाई उठाउन सकिँदैन तर भर्खरै बनाउँदैछ भने बनाउँदै गरेकोलाई इन्डस्ट्रियल नियम कानुन अनुसार कारवाही गरिनेछ। पेसोक सी ग्राइन्ड हो यसैले पत्ती टिपेर हुँदैन, कारखाना हुन पर्छ भन्दै बगान खोलिँदै बन्द हुने होइन भनी सोद्धा पेसोक सी ग्राइन्ड हो यसैले यहाँ कारखाना अनिवार्य रूपमा हुन पर्छ, यो कारखाना नियम अनुसार सञ्चालन हुने बताएका छन्। पहाडका चारवटा राजनैतिक दलका श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरू सुरज सुब्बा, प्रशान्त प्रधान, मिलन प्रधान, टिएमसी श्रमिक संगठनका विशाल राई, सञ्जय सुब्बा, जीवन भट्टराई, आरआर खण्ड स्तरका प्रतिनिधिगण लगायत अन्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बगान आजदेखि सुरु भयो है, तपाईँहरूको रोज पनि लाग्यो, कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? खुसी छ। अन्त बन्द भएको राम्रो कि चलेको राम्रो लाग्छ? हिजो पहाडका चारवटा श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर पेसोक चियाबारी खुलाउन हेतु डागापुर श्रमिक भवनमा एडिसनल लेबर कमिश्नरसँग बसेको सभामा सहमत भएपछि पेसोक बगान खोलिएको हो। पेसोक चिया बगान खोलिएपछि कमानवासीहरूमा एक प्रकारको हर्ष छाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिल्कन एग्रो एन्टी कम्पनीका स्वामी नरेश अग्रवालले बगान आजदेखि सञ्चालन भएको कारण सम्झौता अनुरूप सञ्चालन हुने कुरा बताएका छन्। एकदमै नराम्रो चल्यो भने एक प्रप्तरमा आउँछ, एकदम यसमा हामी खुसी छौँ, चलेको राम्रो। बगान चलेकोले धेरै कुरामा टेवा पुग्ने श्रमिकहरूको मत रहेको छ भने सम्पूर्ण बगानवासीहरूमा बधाई दिँदै सुरज राईले धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेका छन्। कार्यक्रमलाई डिटिडिपिएलयुका सुरज सुब्बाले आफ्नो सम्बोधनमा पेसोकवासीहरूलाई बधाई दिँदै आजको यो दिन ऐतिहासिक रहेको बताए। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै बगान मालिक नरेश अग्रवालले भने हिजो सम्झौतामा जे पनि भनिएको छ त्यो अनुरूप नै बगान सञ्चालन हुनेछ र आज श्रमिकहरूको बकाया राशिको 40% प्रदान गरिनेछ भने अप्रेलमा 30% अनि जुलाईमा 30% गरिने कुरो बताएका छन्। पेसोक चिया बगान आज हम लोग इसका पूजा करके उद्बोधन किए हैं और आज से पेसोक चिया बगान चालू हो गया है। पेसोक चिया बगान हम लोग गत आपका क्या 17 जनवरी को हमने त्रिपक्षीय मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद में इनका जो बकाया था, जो बकाया हम 100% में राजी हुए हैं, जो क्रमशः हम लोग इसको अभी ओपनिंग के साथ में 40% देंगे और उसके बाद में आपका अप्रैल में 30% देंगे और जुलाई में बैलेंस का 30% देंगे। बोनस का हमारा फाइनल हुआ है, दुर्गा पूजा से पहले इन लोग का बोनस जो ड्यू था पहले का वो बोनस हम लोग देंगे।
और इसके साथ में LTA है, उसके बाद में फूड ग्रेन का है, जो हम क्रमशः इनको मार्च में और अप्रैल में पूरा पेमेंट कर देंगे। इसका जो 570 श्रमिक का जो स्ट्रेंथ था, उसी स्ट्रेंथ को साथ में लेकर हम लोग पैसोक चाय बागान चलाना चाहते हैं। और फैक्ट्री के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि जिस दिन हमको इसका लीज मिल जाएगा, वो लीज मिलने के बाद में हम इसको क्या नाम है फैक्ट्री को लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके लिए जो भी लाइसेंस लेना है, सब कुछ लेना, वो लीज का पेपर के ऊपर में ही हमको मिलेगा। अभी जो श्रमिक लोग का डिमांड है डिस्पेंसरी का, सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं, जब तक हमारा डिस्पेंसरी बढ़िया से नहीं बन जाता है, हम मोबाइल सेवा में सबका जो भी डिस्पेंसरी की दरकार होगी हम लोग करेंगे। कि पहले जो भी घटना घट चुकी है उससे शिक्षा लेते हुए, यहाँ जो फैक्ट्री नहीं थी, हमारा सबसे सर्वप्रथम हमारा ये है दिमाग में कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि पत्ती बिक्री करके कोई भी बगान वायबल नहीं हो सकता है। बगान को वायबल करने के लिए फैक्ट्री लगानी बहुत ज़रूरी है, और सरकार से हमारी बात चल रही है, और हम यहाँ पर क्या नाम है जल्दी से जल्दी हम अपना यहाँ लीज लेकर और फैक्ट्री लगाने की हमारी मंशा है, और हम फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री अगर रनिंग हो जाती है तब ये बगान कभी भी बंद नहीं होगा। ये जो हम लोग GLC में बाइपेटिक एग्रीमेंट भएको थियो, बाइपेटिक एग्रीमेंट में हम लेबर को वेजेस सैलरी 100% दिन प्रोग्राम भएको, LTA दिनु छ, बोनस को प्रोग्राम थियो, बोनस हम 50% फूड ग्रेन इन जी प्रीवियस ड्यू थियो तो हमीर यो सैलरी वेजेस 3 पार्ट में दिन्छ, आज 40% और अप्रिल में 30%, जुलाई में 30%, 3 टा हमें दिन एग्री भएको छ। बोनस चाहिँ हाम्रो दुर्गा पूजा में, पूजा फेस्टिवल में, यो वर्ष लेबर को बोनस हुँदैन, बहुत सामान्य रूप में हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि हामी त्यो फेस्टिवल में त्यो पोस्टपोन गर्छौं। यो फैक्ट्री को जो छ डिमांड, फैक्ट्री को डिमांड हाम्रो लीज जब हाम्रो नाम में आउँछ हामी फैक्ट्री गर्छौं, किनकि यो बगान सिक गार्डन हो। अब पत्ती बिक्री गरेर कहिले पनि भाइबल हुँदैन, ल फैक्ट्री लाउनु नै पर्छ। फैक्ट्री लाउनु को लागि हामीलाई जो लीज प्रोसिडिङ छ त्यसमा हाम्रो सरकारसित एप्लाई गर्छौँ। सरकार पनि भन्नुहुन्छ जति छिटो नि छिटो हामीलाई यो लीज प्रोसिडिङ गरिदिए पनि, किनकि लीज फैक्ट्री को गर्दाखेरि बहुत फर्मालिटिज छ, त्यो फर्मालिटिज गर्नुको लागि हामीलाई लीज चाहिन्छ, लीज भयो भने हामीले फैक्ट्री यहाँ चालू गरिदिन्छ। हमारी चिफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी जी, हमारे श्रम मंत्री माननीय बेचारा मन्ना जी, और हमारे यहाँ के जो सेंट्रल नेता हैं सुरेश सुब्बा जी, मिलन प्रधान जी, प्रशांत प्रधान जी, और हमारे भरत ठाकुरी जी, TMC के हमारे खावा साहब, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ के श्रमिक जन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सबके सहयोग से क्या नाम है आज हम ये बगान खोल पाए। धन्यवाद। अहिले जो बनाइसक्यो अब तिनीहरूलाई त उठाउनु त अलि प्रब्लम छैन, जो नयाँ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ, नयाँ टिबुस उठाएर जो गर्छ त्यसको प्रशासनिक रूपमा जो पनि आइनको अनुसार जो हुन्छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट त्यो एक्सन लिन्छ। अब त्यो एज पर लो जो हुन्छ इन्डस्ट्रियल लको अनुसारमा जो हुन्छ त्यो एक्सन हुन्छ। आजबाट पेसोक चिया बगान सञ्चालनमा आएको छ भने आजैदेखि पेसोक चिया बगानका ती 570 जना कर्मचारीहरूको पनि रोज लागेको छ भनेर यहाँ मालिक पक्षले पनि साथै यहाँ उपस्थित ती नेतृत्ववर्गहरूले जानकारी गराएको छन्। दर्शकबिन जानकारी लिउँ आउनुहोस् कि आज पेसोक चिया बगान सञ्चालन भएको विषय लिएर यहाँका कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिउँ। र आज जुन प्रकारले बगान सञ्चालन हुँदैछ है, अब त्यो विषय लिएर अलिकति जानकारी गराउनुहोस् र आज डिटिभी मार्फत तपाईँलाई मिडियामा भन्नुपर्दा के छ भने आज 18/1/2022 को दिनदेखि चिया बगान पेसोक चिया बगान पुनः खोलिने तय भयो र
त्यसमा 100% हाम्रो ड्युज लाइबिलिटीमा 40% आज दिने भयो, आज दिइरहेको छ, पेमेन्ट भइरहेको छ, अनि 30-30 गरेर तिन इन्स्टलमेन्टमा आज 4 र 30-30 गरेर तिन इन्स्टलमेन्टमा आज मेरो पेमेन्ट क्लियर गर्ने तय भएको छ। हामीलाई त खुसी नै लाग्छ, राज्य सरकारलाई मान्नुपर्छ नि, तर यो होइन, तर अब 2 वर्ष चल्दै बन्द गर्दै गऱ्यो भने त अब हामी कहाँ खुसी हुनसक्छ र त होइन। कति राम्रो फेसिलिटी छ, हस्पिटलमा गाडी पाउँछ जानु, कति राम्रो। यो त अघि आएर सरहरूले भनेको कुरा त राम्रो भयो त, हामीलाई त राम्रो लाग्छ।